हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम स्प्रिंग फोर सेल वल्नरेबिलिटी को यहां पर एक्सप्लॉइट करेंगे और स्प्रिंग फोर सेल का एक वल्नरेबल सर्वर क्रिएट करेंगे। हाल ही में जावा में एक क्रिटिकल वल्नरेबिलिटी आई है स्प्रिंग फोर सेल की, तो इसकी मदद से अटैकर्स किसी भी सिस्टम को पूरी तरह कंप्रोमाइज कर सकता है। फिर उसके बाद उसके सिस्टम में उसके रूट की रूट एंड उसके बाद उसके SSH की को भी कॉपी कर सकता है। ये काफ़ी क्रिटिकल वल्नरेबिलिटी है, तो इस वल्नरेबिलिटी को हम यहाँ पर आपको पूरी तरह A to Z दिखाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें कुछ पैकेजेस की ज़रूरत होगी। तो यहाँ पर सबसे पहले हम एक वल्नरेबल सर्वर क्रिएट करेंगे स्प्रिंग फोर सेल का। फिर उसके बाद उस स्प्रिंग फोर सेल को यहाँ पर काली लाइनक्स की मदद से एक्सप्लॉइट करेंगे। तो इस वीडियो को आप पूरी तरह देखिए। यहाँ पर मैं काली लाइनक्स एंड उबंटू का यूज कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं अपने उबंटू के सिस्टम पर चलता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले आपको डॉकर को इंस्टॉल करना होगा। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ क्या मेरे सिस्टम में डॉकर इंस्टॉल है। ये देखिए, यहाँ पर मेरे सिस्टम में डॉकर इंस्टॉल है। यदि आपके सिस्टम में डॉकर इंस्टॉल नहीं है तो आप यहाँ पर कमांड टाइप कीजिएगा apt-get install docker। फिर उसके बाद आपको कमांड टाइप करना है apt-get install docker.io। इसके बाद आपके सिस्टम में डॉकर पूरी तरह इंस्टॉल हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको एक काम और करना है, उसके बाद आप अपने सिस्टम में पाइथन 3 को इंस्टॉल कर देना है, क्योंकि पाइथन 3 की जरूरत पड़ेगी। फिर उसके बाद पिप के पैकेजेस को इंस्टॉल करना है। यहाँ पर मेरे सिस्टम में डॉकर इंस्टॉल है, तो सबसे पहले मैं आपको अपने डॉकर की वर्जन दिखा देता हूँ कि मेरे सिस्टम में डॉकर का कौन सा वर्जन है। मैं उसके लिए कमांड टाइप करता हूँ docker --version। ये देखिए, यहाँ पर मेरा डॉकर का वर्जन है। तो चलिए सबसे पहले स्प्रिंग फोर का एक वल्नरेबल सर्वर क्रिएट करते हैं। तो उसके लिए हमें सबसे पहले इसके रिक्वेस्ट को पुल करनी पड़ेगी, यानी कि उसके पैकेजेस को पुल करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर मैं कमांड टाइप करता हूँ डॉकर, फिर उसके बाद बिल्ड, फिर उसके बाद अपने करंट पाथ में, यानी डॉट आप किसी भी स्पेसिफिक कस्टम पाथ का यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं यहां पर अपने करंट पाथ का यूज करना चाहता हूं। फिर उसके बाद -t यानी कि टैग, इसका टैग नेम है स्प्रिंग फोर सेल, हिट एंटर। ये देखिए, यहाँ पर मेरे पास एक एरर आया, अनेबल टू इवेल्युएट सिमलिंग्स, यानी कि यहाँ पर अभी हमारे पास कोई फाइल डायरेक्टरी नहीं है। तो हम यहाँ पर स्प्रिंग फोर सेल को अभी पुल बिल्ड नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए हमको गूगल पर चलना होगा। फिर यहाँ पर मैं कमांड टाइप करता हूँ स्प्रिंग फोर सेल GitHub, जस्ट हिट एंटर करता हूँ। फिर उसके बाद यहाँ पर इसके गिट क्लोन URL को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं इस लिंक पर क्लिक करता हूँ, इस लिंक को मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। फिर उसके बाद इसे मिनिमाइज करता हूँ। फिर यहाँ पर आपको यहाँ पर गिट क्लोन करके मैं उस स्क्रिप्ट को यहाँ पर क्लोन कर लेता हूँ। एंड ये देखिए, फाइनली ये स्क्रिप्ट हमारे पर क्लोन हो चुकी है। अब हम इस फोल्डर में चलते हैं। ये देखिए, यहाँ पर डॉकर फाइल है, exploit.py है, एंड यहाँ पर कुछ फाइलें हैं। तो सबसे पहले हमें डॉकर को बिल्ड करना होगा। तो उसके लिए मैं अगेन कमांड टाइप करता हूँ डॉकर, फिर उसके बाद build, फिर उसके बाद अपने करंट पाथ, इसलिए क्योंकि ये देखिए ये मेरे अभी करंट पाथ में है। तो यहाँ से हम सीधे बिल्ड कर लेते हैं -t, जो इसका टैग है, एक्चुअली स्प्रिंग फोर सेल। हिट इंटर कर देता हूँ। ये देखिए, इसे बिल्ड होने में काफ़ी टाइम लगेगा, मे बी ½ an hour लग सकता है, उसमें काफ़ी MB की ज़रूरत पड़ेगी। तो फिलहाल ये जो सर्विसेज है मेरे सिस्टम में पहले से इंस्टॉल है। फिर उसके बाद अब हम इस स्प्रिंग फोर सेल के वल्नरेबल सर्वर को यहाँ से रन कर देते हैं। तो उसके लिए हम कमांड टाइप करते हैं डॉकर, फिर उसके बाद रन, यानी कि रन करना चाहते हैं। फिर उसके बाद -p यानी कि इस पोर्ट पर, एक्चुअली टॉमकैट 8080 पोर्ट पर वर्क करता है। तो उसके बाद टॉमकैट 8080, फिर उसके बाद स्प्रिंग फोर सेल एंड जस्ट हिट इंटर करते हैं। एंड ये देखिए आप, यहाँ पर हमारा डॉकर रन कर गया, सक्सेसफुली रन कर गया। यदि आपको कोई भी एरर शो करे तो आप कमेंट कर सकते हैं कि।
तो ये देखिए यहाँ पर हमारा लाइक स्प्रिंग फोरसेल का वलरेबल सर्वर सक्सेसफुली रन कर गया है। तो उसके लिए अब हम क्या करते हैं, आप अब अपने काली लिनक्स पर चलते हैं। एंड ये हमारा उबंटू था, ये जो ऊपर वाला सिस्टम है ये हमारा उबंटू है, जस्ट नीचे काली लिनक्स है। तो हम इस अपने काली लिनक्स के ब्राउजर पर चलते हैं। फिर मैं यहाँ पर लाइक इस फाइल को एक्सेस करता हूँ एंड मेरे जो उबंटू की आईपी है 192.168.43.14 है, ये एक्चुअली ये पोर्ट 8080 पर रन कर रहा है। तो जस्ट हिट इनका इंटर करते हैं। ये देखिए यहाँ पर टॉम कैट का वलेरेबल सर्वर स्टार्ट हो चुका है एंड ये देखिए अपैची टॉम कैट आप देख सकते हैं यहाँ पर। एंड ये हेलो वर्ड एक मैसेज इन्होंने प्रिंट किया है, जैसे मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ हेलो वर्ड। यहाँ पर इसने हमें एक हेलो वर्ड दिया है, तो लाइक उसकी जो डायरेक्टरी है एक्चुअली हेलो वर्ल्ड, फिर उसके बाद यहाँ पर हेलो वर्ड के बाद ग्रेटिंग, ये देखिए, ये देखिए यहाँ पर हमारा वलरेबल सर्वर स्टार्ट हो चुका है। ये मैसेज है हेलो वर्ड एक्सप्लॉइट मी, तो ये एक्सप्लॉइट करने के लिए लाइक कह रहा है कि आप मुझे एक्सप्लॉइट करिए। तो फिर यहाँ पर इसका वलरेबल सर्वर है, तो अब अपने काली लिनक्स पर जंप करते हैं। ये देखिए अब हम अपने काली लिनक्स पर जंप करते हैं। उसके लिए काली लिनक्स पर जंप करने के बाद हम यहाँ पर लाइक फिर से इस किट क्लोन यूआरएल को यहाँ से कॉपी करते हैं एंड अपने काली लिनक्स में आते हैं, लाइक इसे क्लोन कर लेते हैं, हिट इंटर करते हैं एंड यहाँ पर भी हम इसे क्लोन कर लेते हैं क्योंकि इसके अंदर एक एक्सप्लॉइट छुपाई गई है, एक्सप्लॉइट रखी गई है, इस एक्सप्लॉइट का हम यूज करेंगे। एंड ये देखिए यहाँ पर exploit.py है, मैं आपको इस exploit को दिखा देता हूँ। ये पाइथन में बना है, यहाँ पर ये रिक्वेस्ट मॉड्यूल है, यानी कि उसके सर्वर पर चीज़ों को पोस्ट कर रहा है, आर्गुमेंट कोई पास कर रहा है, फिर उसके बाद URL इनकोड कर रहा है, फिर उसके बाद टाइम का भी यूज किया गया है एंड ये कुछ के हेडर है। एंड ये देखिए यहाँ पर ये जावा में लाइक कुछ एग्जीक्यूट करने के लिए यहाँ पर जो भी पैरामीटर आ रहा है एग्जीक्यूट कर रहा है, मे बी रिवर्स सेल हो सकता है या नहीं, मुझे कंफर्म नहीं है क्योंकि यहाँ पर इनकोडेड किया गया है फिलहाल, लाइक बॉब सूट की मदद से इसे डिकोड किया जा सकता है। तो ये सब चीज़ें हम बाद में देखेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम इसे एक्सप्लॉइट करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम कमांड टाइप करते हैं Python 3 एंड मैं यहाँ से इसे लाइक इसके यहाँ से URL को कॉपी कर लेता हूँ, फिर उसके बाद देखता हूँ कोई हेल्प है इसकी। ओ ये तो Python 3 का हेल्प आ गया, Python 3 exploit.py --help, इसकी कोई हेल्प है कि नहीं, ये देखिए यहाँ पर इसकी हेल्प इन्होंने दे रखी है। तो फिर उसके बाद यहाँ पर URL मैं अपने इस URL को पेस्ट कर देता हूँ, लाइक जो हमारा वलेरेबल सर्वर है। फिर उसके बाद -file, ये इनका कहना है कि ये आपके लाइक इस स्प्रिंग फोर वल्नरेबिलिटी की मदद से उसमें ये लाइक किसी भी सेल कोड को इंजेक्ट करेंगे। तो फिलहाल मैं अभी यहाँ पर एंटर कर देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर हमारे पास एक मैसेज आ रहा है कॉन्ग्रेचुलेशन एंड फिर उसके बाद इन्होंने एक फाइल लाइक cell.jsp नाम की एक फाइल है, क्योंकि जावा सर्वर है तो अपैची टॉमकैट का है, तो यहाँ पर इन्होंने cell.jsp की फाइल को हमारे लाइक इस स्प्रिंग सेल में डाल दिया है। ये देखिए यहाँ पर इसका जो पाथ है ये देखिए ये आ रहा है, यानी कि इन्होंने एक लाइक मलिशियस फाइल अपलोड कर दी है। एंड अब हम यहाँ पर चलते हैं नेक्स्ट टैब में, यहाँ पर इसे पेस्ट करते हैं। ये देखिए यहाँ पर 14 है, यानी कि हमारे उबंटू की ही आईपी है। तो ये देखिए आप cmd=id, ये देखिए रूट आ रहा है, यानी कि लाइक इन्होंने लाइक एक बैकडोर हमारे सिस्टम में इंटर कर दिया है एंड ये बैकडोर स्प्रिंग फोर सेल के सर्वर में लाइक उसके सर्वर में इंटर किया गया है, यानी कि उस वल्नरेबिलिटी का फ़ायदा उठाकर। जैसे कि अब हम यहाँ पर OS रिलीज आपको दिखा देते हैं, तो कैट प्लस, क्योंकि ये URL इनकोड करता है तो यहाँ पर हम प्लस का यूज करते हैं, प्लस मिस ये स्पेसेस का काम करेगा। ये देखिए यहाँ पर लाइक OS रिलीज, एक्चुअली यहाँ पर वेट etc passwd की फाइलें ओपन हो रही है। ये देखिए यहाँ पर etc passwd की फाइल ओपन हो रही है, आप देख सकते हैं ये टॉम कैट का है
एक्चुअली सबसे पहले हम आपको यहाँ पर शैडो फाइल क्या ओपन हो रही है सर्वर में ये देखिए, ये काफी सस्पिशियस हमें लग रहा है क्योंकि यहाँ पर ये काफी क्रिटिकल वल्नरेबिलिटी है। आप देख सकते हैं ये शैडो फाइल को भी ओपन कर रहा है एंड आप ये देख रहे हैं लाइक उसके सिस्टम की क्रेडेंशियल्स दिखा रहा है। जैसे कि मैं यहाँ पर इश्यू दिखा देता हूँ, ये देखिए डेबियन का JNU, फिर उसके बाद मैं आपको यहाँ पर ETC लाइक सबसे पहले मैं आपको यूनेम की इन्फॉर्मेशन दिखा देता हूँ एंड प्लस हाइफन ए, ये देखिए यहाँ पर हमारा Ubuntu, ये देखिए जबकि ये हमारा बॉक्स काली लिनक्स है आप देख सकते हैं एंड हमने Ubuntu में अपने लॉग स्प्रिंग फोर सेल का लाइक सेटअप किया था, तो ये देखिए आप देख सकते हैं एंड ये Ubuntu है, तो इसका मतलब है कि हमारे Ubuntu पूरी तरह कंप्रोमाइज हो चुका है एंड मैं आपको यहाँ पर इसकी लाइक ये देखिए जेनरिक वर्जन आपको दिखा देता हूँ, फिर उसके बाद इसकी प्रोसेस ये देखिए 64 बिट। अब यहां से आप लाइक हु एम आई रूट देखिए, आप रूट सेल को एक्सेस कर लिया, तो हम यहां से रिवर्स सेल भी ले सकते हैं किस फोल्डर में है। वेट ये देखिए यहां पर लाइक हमने यहां पर गलत सिंटेक्स को पुट किया तो यहां पर हमारे पास एरर भी आ गया एंड ये कहां पर इंस्टॉल है एक्चुअली, तो यहां पर सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूं ls टाइप करके, ये देखिए ये लाइक टारगेट यहाँ पे ये कुछ फाइलें हैं जो उसके सिस्टम में हैं, तो यहाँ से मैं इसे रिवर्स सेल भी ले सकता हूँ, तो उसके लिए मैं यहाँ पर लाइक फिलहाल मैं रिवर्स सेल अभी नहीं लेता हूँ क्योंकि मे बी ये क्रिटिकल हो सकता है एंड ये क्रिटिकल हो सकता है, मैं बस आपको इतना ही दिखाना चाहता हूँ। आप देख सकते हैं अब यहाँ पर आप लाइक बॉप शूट की मदद से URL को इनकोड करके रिवर्स सेल को ले सकते हैं एंड ये कुछ इस तरह से ये वल्नरेबिलिटी काम करती है। होप यू ये वीडियो आपको पसंद आया होगा एंड मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में एंड सी यू सून, गुड बाय।